हेलो डियर पेरेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्कूल से जो भी इन्फॉर्मेशन्स भेजी जाती हैं और साथ में जितने भी टाइम टेबल हैं, यूनिफॉर्म डिटेल्स हैं, कॉपी इन्फॉर्मेशन है, उन सभी की जानकारी और साथ ही जो विद्यार्थियों के जो क्लास नोट्स हैं उन सभी की जानकारी आप कहाँ से ले सकते हैं ऐप में, ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऐप ओपन करना है और उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर लर्निंग कंटेंट फोल्डर है, इसमें आपको जाना है। जैसे ही आप लर्निंग कंटेंट फोल्डर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको दो फोल्डर दिखाई देंगे, स्कूल फोल्डर एंड क्लास फोल्डर। सो जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड है, यूनिफॉर्म डिटेल्स, कॉपी इन्फॉर्मेशन, बुक लिस्ट, क्लास टाइम टेबल, एकेडमिक कैलेंडर, इन फ्यूचर जो भी टाइम टेबल सेंड किए जाएंगे, क्वार्टरली एग्ज़ाम टाइम टेबल, हाफ ईयरली एग्ज़ाम टाइम टेबल, सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल फोल्डर में। स्कूल फोल्डर आप जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको एक और फोल्डर दिखाई देगा, लेटेस्ट नोटिसेस सेशन 24-25, इसको आपको ओपन करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कॉपी इन्फॉर्मेशन, बुक लिस्ट, क्लास टाइम टेबल, यूनिफॉर्म डिटेल्स, और इन फ्यूचर और भी जो विद्यालय इन्फॉर्मेशन भेजेगा, एग्ज़ाम टाइम टेबल और सारी चीज़ें, वो आप यहाँ पर एकेडमिक कैलेंडर सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ आपको अगर नोट्स देखना है तो नोट्स देखने के लिए आपको जो है क्लास फोल्डर में जाना होगा। क्लास फोल्डर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं उनके सभी नोट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के। यहाँ पर सेशन 24-25 फोल्डर आपको ओपन करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स आप देखना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है, फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पर चैप्टर वाइज जो भी नोट्स अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ पर अपलोडेड होंगे, वो सारे नोट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर PDF फाइल्स अपलोडेड हैं और इनको आप जैसे ही ओपन करेंगे, आप यहाँ पर ये नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल हैं, इस तरीके से आप नोट्स देख सकते हैं। और आप चाहें तो इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करके आप इनकी प्रिंट भी ले सकते हैं और अपने फ़ोन में सेव भी कर सकते हैं। थैंक यू।